उस दिन बाबूजी की बात अगर मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, पढ़ लेना था। अगर पढ़ाई लिखाई करते ना तो शायद IIT के स्टूडेंट होते, पिज्जा बर्गर फुल ठूस के खा रहे होते, गुटखा नहीं खा रहे होते, और पढ़ लिख लेते तो दुकान पर नहीं बैठते, कचौड़ी नहीं बैठते, तुमसे बात नहीं कर पाते हैं। मगर कुसुम के चक्कर में ना सब लग गया। कुसुम कौन है भैया? अरे कुसुम रही एक लड़की यार, क्या होता है, स्कूल में जब पढ़ते थे तो स्कूल का छत लांग के जाते थे, उसे मिले खातिर घाट पे बैठते थे हम लोग, गुरुवार के दिन घाट पे और शुक्रवार के दिन जो है जाते थे पिक्चर देखे, और जो है शनिचर के गोला खाते थे, खूब बर्फ का गोला, समझे समझे कि नहीं? हाँ हाँ एकदम एक नंबर। और अतवार के अब पापा जो घर पर रहते छुट्टी उनका रहता रहा, तो अतवार के कभी गए नहीं लेके, एक दिन प्लान बनाया रहे कि जाएंगे, प्लान बनाया रहे मगर गए नहीं। कहाँ है भैया? अरे पिताजी का छुट्टी रहता है ना उस दिन। अच्छा। मगर एक दिन सुबह सुबह खबर मिली कि कुसुम पंचर वाले के साथ भाग गई। हम इतना पूछ लिए पंचर वाले के साथ भाग गई। कौन? वही पंचर वाला का भैया जो आपके बगल वाली गलियां में रहता था? हाँ यार वही। अरे अब ठीक है, तुम काम अपने काम पे लगो, हमें अपना काम करना, तो बस दुकान में ग्राहक वैसे भी नहीं है। ठीक है भैया, राम राम। राम भैया।